वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों की कई प्रजातियां गायब हो चुकी हैं और कई तेजी से लुप्त हो रही हैं। इसी बीच 7 वर्षों बाद गुजरात में वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों की गिनती शुरू की गई है। सूरत, तापी, वलसाड और भी अन्य जिलों में वन विभाग द्वारा तेंदुए की गणना शुरू की गई है। इन जिलों में वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग एनजीओ के लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी वन विभाग की मदद कर रहे हैं। एक वीक से प्रोग्राम हम चला रहे हैं, तो फर्स्टली हम लोग स्टाफ का अवलोकन में डाला है। दूसरा चीज है, हम लोगों ने हर जगह पे मोस्ट ऑफ लोकेशन पे जहाँ पे तेंदुआ मिलने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे ट्रैप कैमरा लगाए, तो ट्रैप कैमरा में भी एक वीक से रिजल्ट आ रहा है। दूसरी चीज़ है, लास्ट 2 दिन से स्टाफ फ्रॉम 5 o'clock टू मॉर्निंग 9 o'clock जो पॉइंट पे तेंदुओं की या वन्य प्राणी का संभवित जगह है वहाँ पे हमने पॉइंट लगा के उनका ऑब्जर्वेशन में डाला है 2 दिन से, तो उसका डेटा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि इस गणना में पेड़ों पर नाइट विजन कैमराज और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। आंग में तेंदुओं की पॉपुलेशन तो एज इट इज है, उससे शायद ज्यादा बड़ी होगी। रिसेंटली अगर देख रहे आहवा अराउंड है, सापुतारा में, वगई में, तो लोग अभी दिख रहे, पहले आज से 5 साल पहले कम दिखाई देते थे, मगर अभी शायद बढ़ सकती है उनकी पॉपुलेशन। अर्बन इलाका में तो जंगल का जो फ्रेगमेंटेशन है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन, वो वन ऑफ द रीज़न है। दूसरा, उनका पॉपुलेशन राइज भी वन ऑफ द रीज़न है।